नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। पत्थर लगाया, आधारशिला भी रखी, सालों बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया मेडिकल कॉलेज। ग्रामीणों ने 37 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार को भी सौंपी। ग्रामीणों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, और अगर आगे नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उन्होंने कहा कि कोटा व भिवानी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला एक साथ रखी गई थी। हालांकि कोटा में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, भिवानी में सिर्फ 4 दीवारी बनाई गई। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में आखिरी दिनों में मंजूर हुआ भिवानी का मेडिकल कॉलेज पिछले लगभग 6 सालों से कागजों में छिपा पड़ा है। वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भिवानी के गाँव प्रेमनगर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी, परंतु 4 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर 4 दीवारी के अलावा कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। भिवानी जिला गांव प्रेम नगर भिवानी शहर से सटा हुआ है, परंतु विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से यह हल्का भवानी खेड़ा गांव का है। इस गांव के लोगों ने यहां पर मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए 37 एकड़ जमीन निःशुल्क सरकार को देने का काम किया, परंतु इतने लंबे समय से मेडिकल कॉलेज न बनने से ग्रामवासियों में गुस्सा है, बल्कि आसपास के लोगों ने गांव के सरकार के साथ मिलकर के इस बात को लेकर खपा भी हैं कि घोषणा हो जाने के 4 साल बीत गए फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग को लेकर के गांव प्रेमनगर की पंचायत वीरवार को भिवानी उपायुक्त कार्यालय भी पहुंची, जहां पर उपायुक्त अजय कुमार को अपनी व्यथा सुनाते हुए पत्रकारों के सामने मेडिकल कॉलेज न बन पाने की तकलीफ भी बताई। पूर्व सैनिक कैप्टन कमल सिंह ने बताया कि उनके गांव में प्रेमनगर ने 131 एकड़ जमीन जो कि बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए तथा 37 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए सरकार को पंचायत की तरफ से सालों पहले सौंप दी गई थी, लेकिन गांव के द्वारा दी गई इस जमीन पर अभी तक मेडिकल कॉलेज का नामो निशान तक नहीं। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल पाएं। उन्होंने कहा कि यदि मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू नहीं किया गया तो गाँव प्रेमनगर तथा आसपास के ग्रामीण भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे, क्योंकि गांव ने अपनी जमीन सरकार को निशुल्क दी है। अब देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, बताओ क्या निर्णय लोगे जी यदि आपकी मांग? निर्णय लेंगे हम जो है वहां पर धरना धरेंगे और हमारी मांगे पूरी करवाने के लिए वहां पर धरना धरेंगे, और पूरा गांव हमारे साथ है। अगर जा ये दूसरी जगह अगर ले जाने का प्रावधान करते हैं तो इन्होंने हमारे पास में जो है पत्थर क्यों लगाया था? अगर पत्थर लगा दिया गया है तो हर मोदी की सरकार की भी ये है, जहाँ पत्थर लगा दिया जाता है वहाँ पर यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। आज हमने 2 साल हो चुके हैं 5 साल हो चुके हैं, इन्होंने दोबारा फिर सरकार आ चुकी है इनकी, और इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, हमारा प्रेमनगर गाँव विद भिवानी हल्का आल सरपंचों से, सरपंच भी हमारे पास में, सभी जो है ना धरना देंगे और फिर जो है ना प्रशासन को मुश्किल हो जाएगी। राजनीतिक लोगों का क्या कहना है इस सारे मामले पे? राजनीतिक लोगों का कहना है, हमने दिसंबर से बात करी थी, दिसंबर ने बोला कि खट्टर साहब CM साहब ने इनकार कर दिया है और ये कहीं दूसरी जगह जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। तो इसी वजह से जब हमने ये मैसेज मिला है उसके बाद में हमारी ग्राम पंचायत और बवानी हल्का सभी पंचायतें हमारी यहाँ इकट्ठी हुई हैं, और ये ज्ञापन हमने जो है DC को देना है, और DC के बाद में जो DC कार्रवाई करेगा उसके बाद में फिर हमने CM से मिलना है। अगर जो CM भी जब कोई कार्रवाई हमारी नहीं करता है उसके बाद में हमारा प्रावधान है कि आल प्रेमनगर विद वाणीखेड़ा हल्का सभी के सभी हम प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे, अपना धरना देंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारा मेडिकल नहीं बनेगा, तब तक हम वहाँ से धरना नहीं उठाएंगे। कैप्टन कलम सिंह प्रेमनगर और के निवासी हैं, और उनको 2016 में मेडिकल कॉलेज का पत्थर रखा गया था गांव प्रेमनगर में। गांव प्रेमनगर ने अपनी सरकारी पंचायती ज़मीन फ्री में मेडिकल को दी थी, और आज तक उस पर चार दीवारी तो बनी है, उसके बावजूद उसमें वहाँ कुछ नहीं हुआ है। और उसी दिन जिस दिन यहाँ पत्थर रखा गया था चौधरी मनोहर लाल खट्टर द्वारा,
और जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसी दिन कोटा में भी उसी दिन पत्थर रखा गया था। वहाँ तो निर्माण होके MBBS की क्लासेस शुरू होगी, दाखिले शुरू हो गए और यहाँ अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी। क्या मांग करते हो जी? हमारा उद्देश्य है कि यहाँ गांव में मेडिकल जल्दी से जल्दी बनाया जाए और गांव का जो कोटा है उसको दिया जाए। कितने एकड़ जमीन गांव वालों ने दी है? ये 37 एकड़ जमीन मेडिकल के नाम से दी है और 131 एकड़ यूनिवर्सिटी के नाम। दोनों का निर्माण अभी अधूरा है? दोनों का निर्माण अधूरा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का तो काम शुरू है लेकिन मेडिकल का कोई काम शुरू नहीं है अभी तक। तो यदि ये हाँ ऐसी बात है तभी तो ये काम पेंडिंग पड़ा है ना, तो दूसरी जगह जहाँ पत्थर लगा था वहाँ तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है अभी तक। तो नहीं शुरू होता है जल्दी तो क्या कार्रवाई करेंगे ग्रामीण, क्या निर्णय लेंगे? ग्रामीण यही निर्णय लेंगे कि पहले प्राथमिकता तो इस मेडिकल की है, यहाँ मेडिकल बने, अदरवाइज नहीं बनता है तो गांव की जमीन को वापस लिया जाएगा।